हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, और चैप्टर का नाम है इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल 1206 CE टू 1757 CE। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है तुगलक डायनेस्टी, और इससे पहले हमने पढ़ा था खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना तुगलक डायनेस्टी। इन 1320 CE, 1320 CE के अंदर गाजी मलिक जिसको कि हम जानते हैं गियासुद्दीन तुगलक के नाम से, ये सुल्तान बने दिल्ली के। और इन्होंने खुसराव शाह, जैसे कि आपको बताया था मैंने खिलजी डायनेस्टी के अंदर नसरुद्दीन खुसराव शाह जो थे ये लास्ट रूलर हुआ करते थे खिलजी डायनेस्टी के, और इनको मारने के बाद जो गाजी मलिक थे ये गद्दी पर बैठे। जैसे ही ये राजा बने इनको प्रोविंशियल रिवोल्ट का सामना करना पड़ा। प्रोविंशियल रिवोल्ट मतलब होता है प्रांतीय विद्रोह, तो प्रांत में विद्रोह चल रहे थे, और इसको दबाने के लिए उन्होंने अपने बेटे जूना खान को वारंगल भेजा। तेलंगाना के राजा रुद्रदेव या प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ अ मिलिट्री एक्सपेंडिशन वॉज सेंड, और साथ ही में उन्होंने एक बहुत बड़ी मिलिट्री भेजी जूनागढ़ के जज नगर जो कि उड़ीसा के अंदर है, और जिसमें जो उलग खान जूना खान का ही नाम है वो जीत गया। क्रशिंग द बंगाल रिवोल्ट, बंगाल के रिवोल्ट को कुचलने के बाद ये लास्ट मिलिट्री एक्सपेंडिशन था गियासुद्दीन तुगलक का। ड्यूरिंग अ रिसेप्शन रिसेप्शन सेरेमनी चल रही थी उस दौरान दिल्ली के अंदर, और ये सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी जीत को, जीत जो जीत हुई थी उसमें उसको सेलिब्रेट कर रहे थे हिज रिटर्न, कि भाई उसका जो बेटा है वो वापस आया है जीत करके। तो क्या हुआ कि एक लकड़ी की जो बिल्डिंग थी वो टूट गई, वुडन बिल्डिंग कोलैप्स मतलब होता है टूटना, टूट गई, जिस दौरान जो गाजी मलिक था उसकी मौत हो गई। ही डाइड 1325 CE। तो आप देखोगे इसमें इन्होंने 5 साल शासन किया है। 1320 CE के अंदर ये राजगद्दी पर बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे, और 1325 CE के अंदर इनकी मौत हो गई। आफ्टर दिस, और इसके बाद फिर इनका बेटा जूना खान वो सुल्तान बना। जूना खान जिसका नाम उलग खान था, और बाद में ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने गए। हिज नेम वॉज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइटल, इनके नामों को बहुत सारे टाइटल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि एस्ट्रोनिशिंग मिसिंग मिक्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस के अंदर इनका नाम याद जाना जाता है, जैसे कि मान लीजिए थर्स्टी ऑफ ब्लड यानी खून का प्यासा भी बोल सकते हैं इसको, एटसेट्रा। तो मतलब अजीब अजीब नामों से इनको नाम दिया गया है, जैसे इन्होंने एक तो दे दिया एन एस्ट्रोनिशिंग मिक्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि इन्होंने जो भी योजनाएं बनाई थी वो अच्छी थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई इन्होंने जो भी प्लानिंग की थी, तो एक तरह से इनको एन एस्टोनिशिंग मिक्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है, और साथ ही साथ इनको खून का प्यासा यानी थर्स्टी ऑफ ब्लड भी कहा जाता था, और भी कई इनको टाइटल दिए गए थे। ये दो नेम जो थे, जो टाइटल थे, ये फेमस थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंदर तुगलक डायनेस्टी को डिवाइड किया गया था 23 मुक्ताज को बोलते हैं प्रोविंसेस, मुक्ताज या प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस मतलब मैंने आपको बताया था प्रांत होता है, तो तुगलक डायनेस्टी को डिवाइड किया गया 23 मुक्ताज के अंदर। जियाउद्दीन बरनी मेंशन 5 पॉलिसीज और सुल्तान टैक्स इंक्रीज इन दोआब। जियाउद्दीन बरनी थे, इन्होंने 5 पॉलिसीज के बारे में बताया था जो कि सुल्तान ने बनाई थी,
तो इनमें से कौन सी फाइव पॉलिसी से, ये क्वेश्चन पूछा भी जाते हैं आपके, और ये आपके बुक के अंदर भी दे रखा है कि फाइव मेजर पॉलिसीज कौन सी थी मोहम्मद बिन तुगलक की। तो सबसे पहली पॉलिसी थी टैक्स इन दोआब, टैक्स इंक्रीज इन दोआब, यानी दोआब एक ऐसा लैंड होता है जो कि दो रिवर्स के बीच का एरिया होता है, और ये जो लैंड होता है दोआब ये काफ़ी फर्टाइल होता है। तो सुल्तान जो थे इन्होंने क्या करा कि जो दोआब वाली लैंड है उस पर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। अगर वो टैक्स, और उन्होंने जब ये टैक्स बढ़ाया था तो उस टाइम उन्होंने, उस वक्त जब इन्होंने टैक्स बढ़ाया था उस वक्त वहाँ पर ड्राउट पड़ा, एक तरह से बोल सकते हैं वहाँ पे और इसकी वजह से क्या हुआ, फेमाइन आया हुआ था जिसकी वजह से फसल ख़राब हो गई। और उस वक्त जो सुल्तान था उसने टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था, तो ये जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो असफल हो गई। तो सबसे पहला था टैक्स इंक्रीज इन दोआब, देन उसके बाद था मेकिंग देवागिरी एज अ कैपिटल, और दिल्ली से इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो चेंज करके देवागिरी लेके चले गए, ये दूसरी इनकी प्लानिंग थी। और जो तीसरी प्लानिंग थी इनकी थी वो थी सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की जगह इन्होंने टोकन करेंसी का सर्कुलेशन किया, चलाया उसको, ये थर्ड प्लानिंग। फोर्थ थी अटैक अपॉन खोरासन एंड एक्सपेंडिशन टूवर्ड्स द कराची, और जो फिफ्थ थी वो था कि खोरासन पर अटैक करना और कराची की तरफ बढ़ना। तो ये पांच हो गए, टैक्स इन दोआब, टैक्स इंक्रीज इन दोआब, मेकिंग देवागिरी एज अ कैपिटल सेकेंड, थर्ड नंबर का सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी, फोर्थ अटैक ऑन खोरासन एंड फिफ्थ एक्सपेंडिशन टुवर्ड्स कराची। तो ये पांचों जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो फेल हो गई, सक्सेस नहीं हो पाई, जैसा इन्होंने सोचा था उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया था। सुल्तान रिटेन देवागिरी एज इज कैपिटल, सुल्तान ने देवागिरी को अपनी कैपिटल बनाया था 1327 से लेकर 1335 सी किया था, और उन्होंने इस देवागिरी को रीनेम दिया गया, उसको नाम दिया उन्होंने दौलताबाद। इन 1330 सी के अंदर उन्होंने टोकन करेंसीज जो थी सर्कुलेट की थी, जो कि बनी हुई थी कॉपर और निकल के मिक्सचर से। इसके अंदर क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने फॉग्ड करेंसीज बनाना शुरू कर दिया, मतलब कि नकली जो करेंसीज थी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, और इस वजह से जो सुल्तान था उसको टोकन करेंसी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, यानी बीच में ही रोकना पड़ा। मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बटूटा विजिटेड इंडिया इन अराउंड 1333 CE, और मोरक्कन ट्रैवलर जिनका नाम था इब्न बटूटा, ये इंडिया में आए थे घूमने के लिए 1333 CE के अंदर। सुल्तान अपॉइंटेड हिम, और सुल्तान ने उनको काजी के रूप में, काजी ऑफ दिल्ली के रूप में उनको अपॉइंट किया, एंड ही सेंट हिम टू चाइना, और उन्होंने उनको चाइना भेजा एज इज एम्बेसडर, उसके एम्बेसडर के रूप में। एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत। 42 सी इन्होंने इब्ने बटूटा को चाइना भेजा अपने एम्बेसडर के रूप में, और मोहम्मद बिन तुगलक की इनकी मौत हो गई 1351 सी के अंदर। 1325 सीई में तो ये राजा बने थे, और 1351 सीई के अंदर इनकी डेथ हो गई। और अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इब्ने बटूटा किसके शासनकाल में आए थे, या कौन सी डायनेस्टी के अंदर आए थे, किसके कौन सी डायनेस्टी के शासन में आए थे, तो ये आए थे तुगलक डायनेस्टी के अंदर, और किसके शासनकाल, किसके रेन में आए थे, तो वो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के। इन 1351 सी के अंदर मोहम्मद तुगलक के कजिन थे फिरोज शाह तुगलक, ये सुल्तान बने। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इनका जो कजिन था वो सुल्तान बना, और उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह सेंट टू मिलिट्री एक्सपेंडिशन, फिरोज शाह ने दो मिलिट्री एक्सपेंडिशंस भेजे थे, हज इलिया, हाजी
इलियास ऑफ बंगाल, हाँ जी, इलियास ऑफ बंगाल के खिलाफ हु हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट, जिसने कि अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था, बट ही रिमेन्ड अनसक्सेसफुल। लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ, यानी इसको सफलता नहीं मिली। बहुत द टाइम फिरोज शाह डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट, फिरोज शाह ने डिक्लेयर किया गवर्नमेंट एंड मिलिट्री जॉब्स इज हेरिडेटरी। अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो गवर्नमेंट और जो मिलिट्री जॉब्स थे उसको हेरिडेटरी बना दिया। मतलब अगर उनका कोई पिता या दादा परदादा अगर वो मिलिट्री जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उन्हीं के खानदान के ही लोग जो थे वो उसमें लगेंगे, यानी पिता के बाद पुत्री की नौकरी लगेगी। एंड डिसकंटिन्यू द सिस्टम ऑफ चेकिंग, और उन्होंने जो चेकिंग का सिस्टम था कि पहले लोग थे चेक करके रखा करते थे सोल्जर्स को, या उनके एग्ज़ाम लिया करते थे, एक तरह से उनकी परीक्षा लेते थे, उसके बाद मिलिट्री और गवर्नमेंट जॉब के लिए रखते थे। लेकिन उन्होंने जो क्वालिफिकेशन वाला सिस्टम था उसको ख़त्म ही कर दिया, और जो गवर्नमेंट जॉब और मिलिट्री जॉब थी उसको हेरिडेटरी बना दिया। ही अपॉइंटेड हिज सन, उन्होंने अपने बेटे फतेह खान को, तो फतेह खान फिरोज शाह का बेटा था, उन्होंने अपने बेटे को उसका सक्सेसर बनाया। एंड गॉट हिज सन नेम इंस्क्राइब ऑन द कॉइन, और मतलब अपना उत्तराधिकारी उसको बनाया फतेह खान को, और उसका जो नाम था वो उन्होंने सिक्कों पर खुदवाया अपने नाम के साथ साथ। फिरोज गेव इम्पोर्टेंस टू आर्किटेक्चर, जो फिरोज थे वो आर्किटेक्चर को इम्पोर्टेंस दिया करते थे, कि पॉपुलेटेड द टाउन्स सच एज हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर। उन्होंने ये कुछ कस्बे बसाए थे जिसका नाम था हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर एक्सेट्रा। अशोक प्लेयर्स वर ब्रॉट फ्रॉम तोपरा एंड मेरठ टू दिल्ली, जो अशोक प्लेयर था उसको लाया गया था तोपरा से, और साथ साथ में मेरठ से दिल्ली लाया गया। बट द स्कॉलर्स वर अनेबल टू इंटरप्रेट दैम, लेकिन जो स्कॉलर्स थे वो उसमें जो क्या लिखा हुआ है उसको समझ नहीं पाए, उसको पढ़ नहीं पाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी और फिरोज शाह, वॉज ड्रैग्ड ऑफ कैनल इन हांसी एंड सिरसा रीजन, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज ओवर देयर। अब क्या था कि जो इनकी जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी या जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी फिरोज की, वो थी इन्होंने कई जगह पे कैनल्स वगैरह खुदवाई थी, जैसे कि हांसी के अंदर इन्होंने नहरें और सिरसा के अंदर इन्होंने नहरें खुदवाई थी, जिससे कि जो पानी की कमी की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। वन कैनल वॉज डग फ्रॉम सतलज रिवर, एक जो कैनल थी वो सतलज रिवर से खोदी गई थी टुवर्ड्स द दीपाल दीपलपुर दीपलपुर के अंदर, और जो दूसरी नहर थी या कैनल थी वो उसको खोदा गया था यमुना नदी से सिमुर की तरफ। अ साउंड पॉलिसी वॉज अडेप्टेड टू इंक्रीज, और एक इन्होंने क्या करा कि जो एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए इन्होंने पॉलिसीज अडेप्ट की, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बढ़ जाए, एंड टू फेस ड्राउट और जो सूखा है उसका मुकाबला किया जा सके, ऐसी इन्होंने पॉलिसीज बनाई। जजिया अ टाइप ऑफ टैक्स, जजिया के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जजिया कौन सा टैक्स होता है, नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है वो टैक्स होता है। वॉज इम्पोज ऑन ब्राह्मिन्स, अब पहले जो जजिया कर जो जजिया टैक्स था उसको हटाया गया था, लेकिन इसको दोबारा इन्होंने लगा दिया ब्राह्मिन्स पर। इसके अलावा लीडर ऑफ शिया सेक्ट, शिया सेक्ट्स वर सेंटेंस टू डेथ। अब इन्होंने क्या कर दिया कि जजिया टैक्स तो लगाया ही लगाया, साथ में जो ब्राह्मण के लीडर ब्राह्मण थे या लीडर्स थे सिया सेक्ट के, उनको मौत की सजा भी दी। नॉन मुस्लिम नॉन इस्लामिक पनिशमेंट्स वर एबोलिस्ट, और जो नॉन इस्लामिक पनिशमेंट थे उनको खत्म किया। नॉन जीआरए टैक्सेस जो लगते थे, 24 टैक्सेस हुआ करते थे, वर
एलिमिनेटेड, उनको खत्म कर दिया गया। ओनली फोर टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर रिमेन, केवल चार प्रकार के जो टैक्सेस थे वो ही बचे, खर्च, यकत, खुम्स एंड जजिया। ये कुछ टैक्सेस के नेम है और ये चार टैक्सेस थे। अभी आपने देखा पहले 24 टैक्स हुआ करते थे, जिसको हटा कर केवल चार ही टैक्स रखे गए, जिनका नाम था खरज, जकत एंड खुम्स एंड जजिया। देयर वॉज एन अननेचुरल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्लेव्स, और जो नंबर ऑफ मतलब जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, वो बढ़ गए, बढ़ा दिए गए और ये 1,80,000 तक पहुंच गए। और न्यू डिपार्टमेंट, एक नया डिपार्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम था दीवाने बंधन, बंदगन, वॉज क्रिएटेड फॉर स्लेव्स। और दीवाने बंदगन नाम का जो एक नया डिपार्टमेंट था उसको शुरू किया गया था स्लेव्स के लिए, गुलामों के लिए। फिरोज प्रमोट द मस्क मेलन, इन्होंने मस्क मेलन और ग्रेप्स फार्मिंग को बढ़ावा दिया दिल्ली के अंदर, एंड बिल्ड सेवरल ऑर्चर्ड्स, और इन्होंने कई प्रकार के ऑर्चर्ड्स भी बनाए। फिरोज शाह डाइड इन 1388 CE, और फिरोज शाह की मौत हो गई 1388 CE के अंदर। नसरुद्दीन महमूद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, और नसरुद्दीन महमूद जो थे वो लास्ट रूलर हुआ करते थे तुगलक डायनेस्टी में। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय तुर्किश इन्वेडेड तिमुरलांग, और इस समय जो थे तुर्किश थे वो आक्रमण कर रहे थे तिमुरलांग जो कि एक तुर्किश इन्वेडर थे, इन्होंने आक्रमण किया इंडिया पर और दिल्ली पर, और दिल्ली को लूट लिया इन्होंने। ये तुगलक एम्पायर शो किया जा रहा है कि तुगलक एम्पायर कहाँ से कहाँ तक। देन फिर आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी तिमूर कॉन्कर दिल्ली, जो तिमूर थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, एंड अपॉइंटेड खिजर खान, इन्होंने खिजर खान को अपॉइंट किया अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। खिजर खान फाउंडेड अ सैयद डायनेस्टी, लेकिन जो खिजर खान थे इन्होंने ही सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया। या हम कह सकते हैं कि सैयद खान जो थे वो तिमूर ने दिल्ली को जीत लिया, और इन्होंने खीजर खान को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना, अपना प्रतिनिधि चुना, और जो खीजर खान थे यही सैयद डायनेस्टी के फाउंडर बने, इवन आफ्टर रूलिंग फ्रॉम 1414 CE टू 1421। हालांकि इन्होंने शासन किया था 1414 से लेकर 1421 CE तक। खीजर खान नाइदर गेन एनी टाइटल, न कोई टाइटल गेन किया, एंड नॉट डिड ही सर्कुलेट कॉइन, और ना ही इन्होंने अपने नाम से कोई कॉइन को सर्कुलेट किया। आफ्टर हिम, इनके बाद मुबारक शाह, जो मुबारक शाह थे वो शासक बने, और इन्होंने शासन किया 1421 CE से लेकर 1434 CE तक। ही गेन्ड द टाइटल, इनको एक टाइटल दिया गया और वो था सर्वशाह। तो इनको टाइटल दिया गया सर्वशाह का। तो ये सैयद डायनेस्टी के बारे में मोस्टली कुछ, सैयद डायनेस्टी का तो इसमें खिजर खान है, ये फाउंडर थे सैयद डायनेस्टी के, और इन्होंने शासन किया था 1414 से लेकर 21 तक, और इनको उनको कोई टाइटल नहीं दिया गया था, और नहीं इन्होंने कोई टाइटल लिया था, लेकिन इनका नाम जो था वो नहीं इन्होंने अपना नाम जो था कॉइन पर चलाया, सर्कुलेट करवाया। और जो लास्ट सैयद रूलर जो थे वो थे मुबारक शाह, और इन्होंने शासन किया था 1421 से लेकर 1434 CE तक, और इनको टाइटल दिया गया था सर्वशाह। देन फिर आता है आपका लोधी डायनेस्टी। लास्ट सैयद रूलर जो थे उनका नाम था आलम शाह, विलफुली रिनाउंस हिज रूल अपॉन, और इन्होंने अपनी शक्ति से ही शासन किया दिल्ली है ऑक्यूपाइड। तो ये देखा कि जो लास्ट सैयद रूलर थे आलम शाह, इन्होंने दिल्ली का
दिल्ली पर शासन किया था, तो सैयद अनेसी का लास्ट रूलर थे आलम शाह। उसके बाद बहलोल खान लोधी थे, इन्होंने कब्जा कर लिया दिल्ली पर 1451 सी के अंदर। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द तुर्क्स, तुर्क के बाद अफगान डायनेस्टीज रूल्ड अपॉन दिल्ली। अफगान डायनेस्टी ने दिल्ली पर शासन किया। द एफर्ट्स मेड बाई मोहम्मद शाह, और जो कोशिशें थी मोहम्मद शाह सिरकी ऑफ जौनपुर टू रूल अपॉन दिल्ली बिकेम अनसक्सेसफुल, कि वो दिल्ली पर शासन करना चाहते थे महमूद शाह सिरकी जौनपुर के, लेकिन उनकी जो ये इच्छा थी वो अधूरी ही रह गई, पूरी नहीं हुई। आफ्टर रूलिंग फॉर 38 ईयर्स, और 38 ईयर तक शासन करने के बाद इनकी मौत हो गई 1489 में। बहलोल लोधी की बात कर रहे हैं, तो बहलोल लोधी की डेथ हो गई 1489 के अंदर, और इनके डेथ के बाद इनका जो दूसरा बेटा था जिसका नाम था निजाम शाह, जिसको कि टाइटल दिया गया था सिकंदर शाह, ये सुल्तान बने। इन्होंने अपने एम्पायर को तिरहट तक बढ़ाया, तिरहट बंगाल और बिहार इसमें इंक्लूड कर लिए थे अपने एम्पायर में। और इनका जो जुडिशल सिस्टम था, साथ ही साथ जो रेवेन्यू रिफॉर्म थे, ये काफ़ी फेमस थे। और इन्होंने काम किया मेजर्स लैंड को नापने का एंड फिक्सिंग लैंड रेवेन्यूज, और जो लैंड रेवेन्यूज हैं लगान है उसको फिक्स करने का ऑन दैट बेसिस, उस बेसिस पर मेजरमेंट के बेसिस पर उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू था उसको फिक्स कर दिया। ई स्टार्ट यूज मेजरमेंट यूनिट, और इन्होंने ही मेजरमेंट यूनिट स्टार्ट की थी, गज। वन गज और एक गज उस समय हुआ करता था 30 इंचिस के बराबर। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, और काफ़ी लंबे समय तक जो गज था कंटिन्यू टू बी यूज बाय सिकंदरे गज, और उसको यूज़ किया जाता था सिकंदरे गज के नाम से, इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज सोवरेनिटी ओवर द रूलर ऑफ इटावा, और अपना आधिपत्य जमाना इटावा के रूलर पर। उसके अलावा बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर, इन्होंने क्या करा कि एक टाउन बनाया जिसका नाम था आगरा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा किसने बनाया, हु बिल्ड द आगरा, तो इसमें आगरा जो था वो सिकंदर ने बनाया था, सिकंदर शाह ने बनाया था आगरा। और इनका जो निक नेम था, हिज निक नेम वॉज गुलरू खान, तो इनका निक नेम गुलरू खान था। एंड ही कंपोज पोएम, इन्होंने एक पोएम भी लिखी थी अपने निक नेम से। आफ्टर ही डेथ, इनके मरने के बाद इनका बेटा इब्राहिम लोधी ये गद्दी पर बैठा। द थ्रोन इन आगरा इन नवंबर 1570 CE के अंदर, 1570 CE से लेकर 1518 CE तक जो लोधी थे वो हारते रहे। इन द बैटल ऑफ विच वॉज फॉट बिटवीन द उस लड़ाई के अंदर जो कि लड़ी जा रही थी इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में, लोधी था वो बाबर से हार गया। और हिस्ट्री के अंदर ये जो बैटल था ये काफ़ी फेमस था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था 1526 के अंदर। दिस बैटल प्रूव, और ये जो बैटल थे इसने प्रूव कर दिया टू बी अ लैंडमार्क इन हिस्ट्री एंड मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश इन इंडिया। और इसी लड़ाई ने ये प्रूव कर दिया कि एक लैंडमार्क इतिहास के अंदर एक चिन्ह छोड़ दिया, एंड जो मुगल डायनेस्टी थी वो इंडिया में स्टैब्लिश हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसे पढ़ना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।